हेलो एवरीवन वेलकम टू प्रीमिक्स बाय स्लीपी क्लासेस इस वीडियो में हम पांच एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक कंपोनेंट्स एज वेल तो आज के वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पहला क्वेश्चन आपके लिए है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट तो पहली स्टेटमेंट है दैट सी एंड हाइड्रोजन सी एन जी के बीच में कंपेरिजन है दैट इज़ कम्पेयर टू सी एन जी जो हाइड्रोजन सी एन जी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशंस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि जो सी एन जी है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एमिट करता है बट पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा एमिट करता है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल तो आप थोड़ा सोच सकते हैं इसके बारे में रिकॉल कीजिए क्योंकि रिसेंटली ही जो आपकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है उन्होंने हाइड्रोजन सी के रिलेटेड एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू की है ठीक है सो द करेक्ट आंसर इज वन ओनली तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है दूसरी स्टेटमेंट गलत है जानते हैं कैसे पहली स्टेटमेंट करेक्ट क्यों है क्योंकि सी एन जी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड हाइड्रोजन सी एन जी में हाइड्रोजन ऐड किया होता है एंड जब आप देखें यहां पर जैसे द सेकेंड स्टेटमेंट कि जो एच सी एन जी है इट इज़ ब्लेंड ऑफ हाइड्रोजन एंड सी एन जी एंड जो आइडल कंसनट्रेशन है वो एटीन परसेंट के अराउंड होती है एंड अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल सी एन जी से एच सी एन जी के यूज़ को तो इट हेल्प्स यू रिड्यूज़ द एमिशन ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड बाई अपू सेवेंटी परसेंट इसके अलावा <coughs> पाँच परसेंट फ्यूल में भी सेविंग होती है तो दिस इज द रीज़न के जो आपकी मिनिस्ट्री है वो पुश कर रही है एच को लेकिन इससे पहले ना नीति आयोग ने भी uh, एक डॉक्यूमेंट जारी किया था बट उनका कहना था कि क्योंकि कंपेयर टू द द सी एन जी एच सी एन जी थोड़ी uh, ज़्यादा महंगी पड़ेगी ऑल द मार्जिनल इंक्रीज या कॉस्ट में तो दैट कुड बी अ डेटरेंट तो अब ये सब uh, जो डिबेट्स हैं वो चलेंगी प्रेजेंटली तो हमें इसका जो थोड़ा टेक्निकल कॉम्पोनेंट था वो जानना था दूसरी चीज जो दूसरी स्टेटमेंट थी कि ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है तो ऐसा नहीं है इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनॉक्साइड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन पार्टिकुलेट मैटर वो सभी आपके सी एन जी में कम होता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल ठीक है जी मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आपने इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है वो बताना है तो यहाँ पर ऑब्वियसली इफ यू कैन रिकॉल तो ये आपके मास मिशन हैं वेरियस कंट्रीज के हम इसको प्री क्योर में आज के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ये ऑलरेडी तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ इसको जाकर देखिए ठीक है तो जो प्रजवरेंस है क्या वो लैंडर है एंड जो अल अमाल है क्या वो रोवर है एंड तयविन वन क्या ये ऑर्बिटल है तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैचड है आप थोड़ा सोचिए क्योंकि रिसेंटली ही सभी के सभी ये जो है आ, मास मिशन ये न्यूज़ में रहे हैं तो करेक्ट आंसर इज़ वन ओनली पहला जो परजवरेंस है वो लैंडर है लेकिन जो अल अलमाल है वो क्या है वो ऑर्बिटल है एंड जो ताइनवान वन है वो भी लैंडर है तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ताइनवान वन इज़ अ मिशन बाय चाइना एंड ये सरफेस के ऊपर लैंड करेगा अल अलमाल जिसका इंग्लिश मीनिंग है होप ये यूनाइटेड अरब इमायरेट्स का मिशन है एंड इनफैक्ट यू इज़ द फर्स्ट अरब कंट्री जिन्होंने अपना मार्स के ऊपर मिशन भेजा है एंड ये ऑर्बिटल मिशन है एंड दोस्तों जो हमारा मंगलयान था वो भी मास ऑर्बिटल मिशन ही था ठीक है जी तो वो भी ऑर्बिटल था एंड पर्जरेंस इट इज़ अ मिशन बाय यूएस व्हिच इज़ लैंडिंग मिशन ठीक है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहां पर आपको वेरियस जो डिजीज़ है वो दिए हुए हैं एंड कैसे ट्रांसमिट होते हैं आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच्ड हैं तो हेपेटाइटिस ए क्या कंटेमिनेटेड फूड के कंजम्पशन से फैलता है एंड हेपेटाइटिस बी क्या इंफेक्टिव ब्लड की वजह से फैलता है एंड हेपेटाइटिस ई क्या सिर्फ उसी केस में होता है जिसमें हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी हो चुका है तो ये आई गेस पिछले वीक है, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी था तो दोस्तों कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज़ कि कौन सी डेट थी जब वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था ठीक है जी ओके तो पॉज कर लीजिए एंड मे बी द करेक्ट आंसर यू शुड बी टेलिंग इट राइट द करेक्ट आंसर इज़ वन एंड टू ओनली पहली दोनों सही है तीसरी स्टेटमेंट गलत है गलत क्यों है क्योंकि हेपेटाइटिस ई नहीं हेपेटाइटिस डी सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जिनमें ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हो चुकी है हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टिव ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स की वजह से होता है हेपेटाइटिस बी होता है ब्लड सीमन एंड इन्फेक्ट इट इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम मदर्स टू इन्फेंट्स एज वेल एंड हेपेटाइटिस ए एंड ई होता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के केस में फोर्थ क्वेश्चन है प्लेग से रिलेटेड तो आपको बताना है कि प्लेग इनमें से Uh, कौन सा जो आपका uh, माइक्रोब है वो कॉज करता है क्या वो बैक्टीरिया है वायरस है प्रोटोजोआ है या फंगाए है तो पॉज कर लीजिए करेक्ट आंसर इज़ बैक्टीरिया तो जो प्लेग है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है इनफैक्ट यर्सिना पेस्टिस इज द जूनॉटिक बैक्टीरिया जूनॉटिक कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो uh, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो सकते हैं एंड प्लेग एक जोनॉटिक बैक्टीरिया है uh, बैक्टीरिया के थ्रू होता है इसके तीन फॉर्म्स हैं बिबोनिक सेप्टीसेमिक एंड न्यूमॉनिक प्लेग एंड सबसे ज़्यादा जो केसेस uh, आते हैं दे आर ऑफ बिबोनिक प्लेग ठीक है जी आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन आई क्रेस्ट इनिशिएटिव बताना है आपने रिसेंटली जो कि इनक्यूबेटर इको है किसने लॉन्च किया है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए एंड ऑप्शन हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड आंट्रप्रनोरशिप नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इसरो सो द करेक्ट आंसर इज बी नीति आयोग तो रिसेंटली जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है उन्होंने हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स के ऊपर फोकस करने के लिए अपना ये जो आई क्रिस्ट मिशन है उसको लॉन्च किया है एंड इसमें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वधवनी फाउंडेशन के साथ मिलकर काम करेंगे विद अटल इनोवेशन मिशन सो दैट इज ऑल इन द कॉन्टेक्सट ऑफ दिस वीडियो एंड नाउ बिफोर वी वाइंड अप लेटमी इन्फॉर्म यू अब द कोर्सेज दैट वी आर रनिंग फॉर यू पी एस जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेन्स बैच यानी हमारा पी सी एम बैच है जिसमें आंसर एवेल्यूएशन एंड विदाउट आंसर एवेल्यूशन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज़ कर सकते हैं ऐसे ही कोर्स है हमारा फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ऑप्शनल के दो हमारे पास कोर्सेज़ हैं पोलिटिकल साइंस एंड सोशलॉजी उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं पी सी एम प्लस एस ए या पी सी एम प्लस ऑप्शनल या पी सी एम एस एंड ऑप्शनल वो भी आपके पास ऑप्शन है एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशन या विदाउट वीडियो सोल्यूशनस आप परचेज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज को परचेज़ करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक वट वी आर डूइंग द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है सो दैट इज़ ऑल फॉर द Day. Thank you for watching.